वेलकम बैक टू माय चैनल सुलम मलिक व्लॉग्स। स्वागत करते हैं आप लोगों का, बढ़िया होगे। तो आज मैं हो चुका हूँ तैयार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज है संडे, तो आज है 13 तारीख, तो आज है सारे हमारे फंक्शन स्टार्ट विशु की शादी के लिए। तो आज है कीर्तन। तो देखो, कीर्तन पे लड़कों का तो काम होता नहीं, पर मेरे मामा के बेटे का है तो मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा, और होता है। चलो ठीक है, बहुत कम अटेंड करते हैं, तो मैंने कहा चलो यार। तो मेरे साथ जा रही है अभी मम्मी, पायल और मैं, हम तीनों ही जा रहे हैं, ज़्यादा कोई जा नहीं रहा। चाचू के घर पेंट हो रहा है, चाचू इसलिए। तो मम्मी का भी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या पहन रखा है। मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ मैंने क्या पहन रखा है, और बताना ये नॉर्मल ही पहन रखा है मैंने, कुछ ऐसे नहीं डाल रखा है। ये नॉर्मल कीर्तन ही है, घर पर ही है, बाहर होता तो कुछ दूसरा भी डालते। घर पर है कीर्तन तो यार नॉर्मल ही डाल लो। तो उधर से फीजा भी आ रही है, जीजू भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं और बाकी फैमिलीज भी आ रही हैं। तो निकलते हैं, बस सॉक्स और वो पहनता हूँ शूज, तो उसके बाद निकलते हैं। आपको मैं मम्मी को भी दिखाता हूँ, मम्मी कैसे तैयार हुई है, मम्मी ने क्या पहन रखा है। पहन रखा है मम्मी ने, पीछे होके दिखाओ, अपनी लुक दिखाओ। बाल खोल के चलोगे? नहीं, डायन लग रहे हो ऐसे, तो ऐसे तो डायन लग रहे हो, हैं ऐसे तो डायन लग रही है मम्मी, डायन एक ही डायन, छोटी बनाऊंगी। तो भाई मैं फटाफट तैयार होता है, क्योंकि मुंड का मैंने चेक कर लिया, इतना जाम है। हम पीछे बार 2 घंटे बजे थे मुंड का जाम के अंदर, इस टाइम मैं रिस्क ही नहीं लेने देता, इसलिए मैं जाऊंगा ही नहीं उस साइड से। तो निकलने भी दो, अब सारा ब्लॉग में बता दूं। ये पहना है भाई मैंने नॉर्मल टी शर्ट और जीन्स और शूज, ज्यादा यार मैं आपको बता ही रहा हूँ, कोई बड़ा फंक्शन है नहीं, नॉर्मल कीर्तन है, तो मैंने यही पहन लिया है। तो हम निकलते हैं, पायल को बुलाते हैं और फटाफट निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर आपको गाड़ी में बैठ के मिलते हैं सीधा। मैं आपको सबसे बेकार लड़की दिखाते हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रही, बिल्कुल भी नहीं। और एक चीज बता, हम लोग कीर्तन में जा रहे हैं, काले कपड़े कौन पहनता है? काले कौन पहनता है? अब तो तैयार हो चुकी, अब तो मैं वैसे भी चेंज करने दूंगा, इतना टाइम तो है नहीं, और मुंडका बेटे अभी भी जाम है, इसका बुरा हाल हुआ था जाम में, बिजल के ले जा, मैं कमा उड़ा के ले जाऊं गाड़ी, मोड़ने की भी जगह नहीं, वहीं से चले मुंडका से फिर। नहीं जी, गली से चलेंगे ना। मैं तो हाथ हूँ नीचे, मेरे को पता अभी इनके ऊपर टंटे होएंगे, सो अभी तैयार होना है, गंगी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो आज स्मार्ट लग रहा हो यार, वाइट कलर सूट्स मी, सूट्स मी। तो अब चिल्ला रही है, इतना चिल्ला रही है, बताओ। तो इनके भी डंडे होंगे मेरे को पता, और मेरे को खड़े खड़े गुस्सा आएगा फिर, ये रहे वो है, ये करेंगी रहेंगे, मगर मैं तो नीचे जा रहा हूँ अपना, जब मन करे तब उतरा नीचे। तो एक चेक करो मलिक, हमारी गाड़ी में भी लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने लिखवाया था, हमारा ऊपर लिखा हुआ है, इसका बीच में लिखा हुआ है। भाई नए घर बनने शुरू हो गए यार, ये देखो सारा टूट के नया बन रहा है घर, ये कितना पैसा आ गया लोगों के पास, अब नए घर बना रहे हैं सब हमारी गलियों में। तो पूरा तोड़ दिया मकान अंदर से, अभी तो पूरा गिर के बनेगा ये। निकल चुके हैं भाई हम लोग सारे, ये रही मम्मी पीछे, देख सबसे आ कौन स्मार्ट लग रहा है, मैं। सारे बोले एकदम, ये नहीं कहते हाँ भाई तू लग रहा है। मेरा ग्लो तो मेरे भतीजे की शादी का है, इसलिए छुड़की तेरा ग्लो किस चीज का है? मेरे भाई की शादी है। मेरा ग्लो देख लो, मेरे ग्लो तो गया गुजरा है, तेरा ग्लो तेरे भाई की शादी है। हाँ पर भाई वो तो हमको पूछ ही नहीं रहा, शादी के बाद तो ऐसा हो गया, चेंज जिसका रिश्ता था वो कोई शादी जब से रिश्ता हो भाई वो तो चेंज हो रहा है, बिल्कुल पूछता रही है, देख लो क्या कमाल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा हमारे को। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? फिर कल को मेरी होगी छुटकी, मैं तेरे को नहीं पूछूंगा, भाई संडे है इस वजह से हमें रोहतक में तो हमें रोड खाली मिलने वाली है, बाकी आगे का पता नहीं, दिल्ली का तो मतलब रोहतक तो हमें पूरा खाली मिलने वाला है। रोहतक में भीड़ होती है भाई शाम को, शाम से पहले भीड़ नहीं होती रोहतक में, सुबह तो ऐसा होता है, देखो मॉल सुबह का मॉल ही देख लो, संडे का यही मंडे होता तो आप जाम देखते दबा के, बहुत जाम होता है भाई बहुत। ये है बीकानेर पे, क्योंकि
एक दो डब्बे लेने थे मम्मी को, तो मम्मी कहती भाई लेके ही सीधा चलते हैं इसे। देख लो क्या डब्बे, बड़ी देर लगा दी है। हैं? नहीं नहीं अभी लाई हूँ। मतलब इतनी देर तो लगती मम्मी, आधी देर में आए हो। वो अब बनवाना था ना, मिक्स करो। ओके, हमारे लिए क्या लाए हो? लाई, अपने लिए लाई हूँ, कराची गोलगप्पे खा गए। 100% अकेले तो मैं खाती भी नहीं, हलवा नहीं है, नहीं, मैं खाती भी नहीं अकेले। जो इंस्टाग्राम फीड पे जो गाना चल रहा है, मैंने आज वो गाना लगा दिया, सुनना। बढ़ गया हैंडल करके, पानी पानी होगी मैं, लट दे। आज हमने रास्ता चेंज करा हमने अपना, तो आज हम मुंडेगा की तरफ से नहीं जा रहे, आज हम जा रहे नजफगढ़ होके। तो यार छोटा रास्ता है, वहां से थोड़ा हम देख निकलेंगे पीरागढ़ी, उसके बाद हम सीधा मामागढ़ जाएंगे। तो यहाँ जाम में हम गए ना, मुंडेगा गए तो हम 2 घंटे के जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि आप मैप चला के खुद ही देख लेना, आजकल मुंडेगा जाम मिलता ही मिलता है। तो उधर से कोशिश करना मत ही जाया करो। भाई जो आगे बाइक पे जा रहे हैं, इनका स्टाइल देखो, हाथ में वेप है और आगे वाले को वेप पिला रहा है। ये गाड़ी वाला एकदम ब्रेक मारी है इसने, अर्टिगा नहीं। दिखाता हूँ वो भाई ना आगे निकल गया, अगर मुझे नजर आता ना आपको दिखाता हूँ अभी। भाई उसके मुंह पे लगा रहा है वेब और पीछे सामान पकड़ रखा है, इतना भारी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नानी और ये गली में, नानी हाउस। नानी हाउस, आजकल पहले हम कहते थे नानी का घर, आजकल के जो बच्चे हैं कहते हैं नानी हाउस। तो अभी विशु आ रहा है नीचे, वो गाड़ी लगवाया हुआ, हमें तो पता नहीं है भाई गाड़ी कहाँ लगानी है, वही लगाता है गाड़ी। आ गया विशु, इसकी शादी है। हाँ भाई, शादीशुदा आदमी, अभी शादी होनी है, अभी हो ही नहीं है शादी। कैसा लग रहा है, शादी नजदीक आ रही है, मन में लड्डू फूट रहा है, हैं? कुछ भी नहीं हो रहा, हो तो रहा होगा, हमको भी बताएगा। ले भाई लगा गाड़ी तू। फाइनली भाई नानी घर पहुंच चुका, मम्मी आते ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। मम्मी कहती मैं तो ब्लॉग बनाऊंगी आते ही, मैंने तो टीवी चला लिया अपना। मैं कह नहीं भाई, मैं कह टीवी देखेंगे ऊपर आ गए, अभी तक तो शुरू हुआ नहीं है, जब शुरू होएगा फिर नीचे जाएंगे घुमाएंगे थोड़ी देर। तो कीर्तन में तू बैठेगा? नहीं, थाल तो तूने ले रखी है। किस पे? हमारी ड्यूटी लगी है प्रसाद करने, पैक करने के लिए, तो अभी बैठी है ये, पैक कर लेगी। अरे हमारी ड्यूटी बांध दी तुमने, क्या कर दिया? अपनी ड्यूटी पहले पूरी करो। चलो इसकी जिस भी जा रही की शादी है उसी को काम पे लगा रखा है कब से। जल्दी बैठ, छुटकी को बिठा नीचे, जा रहे जूता पहने हुए हैं। नहीं बैठ भाई, छुटकी को बिठा दूं, बैठ जाऊंगी, बैठ। मेरे भाई की शादी है, लो भाई। और क्या देख, ये होते हैं छुटकी की मालिक की शादी है, ला दो। ठीक है, जूते क्या पहना, अभी जूते उतार रहे हैं, बताओ काम करो, लो सीधा पकड़ते हैं फोन, व्लॉग बना रहे हैं, बताओ। चलो पैक करो, शुरू करो काम, एक एक लिफाफा उठाओ ऊपर से, दो लिफाफा उठाओ। व्लॉग के लिए काम कराते हैं, व्लॉग के लिए जान के काम कर रहे हैं हम, दिखे हम काम करना चाह रहे हैं भाई, जल्दी एक एक लिफाफे दो। एक लिफाफा खोलो, एक बूंदी पकड़ो और एक नमक पारे पकड़ो, वो वाला मत खोलो। विजु हम आपको भाभी से डांट भी पड़वा सकते हैं इस मामले। Oh, my God.
तो कीर्तन तो हो चुका है भाई ख़त्म। आज बहुत मज़े आए, बहुत मज़े आए, डांस भी करा, मज़े करे खूब, खाया पिया भी खूब, मज़े भी करे। तो भाई वापसी निकलेंगे घर के लिए, रात को 11 बजे हैं घर पहुँचते पहुँचते। तो अभी बस मैंने कहा थोड़ी देर लेट जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, फिर गाड़ी भी चलाएंगे, 2.5 घंटे लग जाएंगे आराम से। यार सुबह तक तो पूरा खाली था एरिया, और अब देखो कितना रश हो गया यहाँ से, बहुत रश हो गया, क्योंकि यहाँ मार्केट है ना, पूरी मार्केट खुल गई, और संडे को तो लोग निकलते ही हैं। फिर वापस निकल चुके हैं रोहतक के लिए, बस 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे रोहतक। भाई रुकते नहीं यार, फिर कल भी तो घर जाना है, इससे बढ़िया इस टाइम ही निकल जाओ, इस टाइम थोड़ा रश भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, टाइम से निकल जाओ। हर जगह रामलीला चल रही है, देखो पूरे लाइटें लगी हुई है, इसका मतलब समझ जाओ इस टाइम रामलीला ही चल रही है हर जगह।
और मजा आता है यार आजकल रामलीला देखने में। तो भाई फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो भाई थक बहुत गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गया, मैं तो गाड़ी चला चला के दुखी हो गया आज। तो इसी के साथ में ब्लॉग को आज एंड करते हैं। होप करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे आप लोग, सब्सक्राइब कर लो जाके फटाफट। भाई गुस्से से बोलूँ, प्यार से बोलूँ, जिसने मानना है वो मान जाएगा, जिन्हें नहीं माना नहीं माना है। ओके भाई, जय श्री राम।